चीन इस समस्या के समय में भी अपनी घटिया सोच पूरे विश्व को दिखा रहा है। जहां एक तरफ पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है, वहीं दूसरी ओर स्पेन जैसे छोटे देश ने इससे निपटने के लिए चाइना से 35 अरब रुपए का व्यापार किया है, उससे मेडिकल इक्विपमेंट्स लिए हैं, टेस्टिंग किट्स ली हैं, दवाइयां ली हैं, वेंटिलेटर्स लिए हैं। ये सब उसने इसलिए लिया था कि वो अपने देश में फैली इस महामारी से निपट सके, लेकिन चीन ने इसमें भी अपनी घटिया सोच को दिखा ही दिया। स्पेन ने चाइना से 6 लाख कोरोना टेस्टिंग किट्स मंगवाई थी, जिनमें से 9,000 से मरीजों की जांचें की गई। अब स्पेन ने बताया है, उस पे शोध करके बताया है कि जिन 9,000 से जांचें की गई, 9,000 किट से मरीजों की, उनका एक्यूरेसी रेट बहुत ही ज्यादा कम है। 30% एक्यूरेसी रेट है जो चीन के द्वारा दी गई टेस्टिंग किट्स हैं। इसके अलावा और सारे इक्विपमेंट्स भी चाइना से आए हैं। अब इन टेस्टिंग किट्स का 30% एक्यूरेसी रेट है, मतलब कि अगर 100 कोरोना के मरीजों को इन टेस्टिंग किट्स से चेक किया जाता है, तो इन टेस्टिंग किट्स में सिर्फ 30 कोरोना के मरीजों को कोरोना पॉजिटिव दिखाया जाता है टेस्टिंग किट्स में। मतलब 70 मरीज ऐसे ही निकल जाते हैं जिनको कोरोना की बीमारी होती है। ये अब स्पेन के लिए एक बड़ी बीमारी भी बन गया है, एक बड़ा सरदर्द भी बन गया है, क्योंकि इन किट से जांचे हुए मरीजों को जब नेगेटिव आता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, और अगर उनको ये बीमारी है, कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, तो वो आगे जाकर स्पेन में बीमारियां बढ़ा रहे हैं, इस बीमारी को फैला रहे हैं। ये एक बड़ा सिरदर्द अब स्पेन के लिए बन गया है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि चीन अब भी इस चीज से बाज नहीं आ रहा है। वो अपने व्यापारिक दिमाग के साथ अब भी पूरी दुनिया से खेल रहा है और लोगों की जाने जिसकी वजह से जा रही हैं। स्पेन ने अब चीन से कहा है कि वो अपनी इन टेस्टिंग किट्स को वापस मंगवा ले, लेकिन चीन इससे अपनी जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ रहा है। जिस कंपनी की टेस्टिंग किट्स स्पेन में गई हैं, स्पेन में दी गई हैं, अब चाइना का आधिकारिक बयान आया है कि उस कंपनी का कोई भी आधिकारिक लाइसेंस नहीं है वो किट्स बेचने के लिए चीन में। पूरी तरीके से चीन ने पल्ला झाड़ लिया है ये, लेकिन चीन की घटिया सोच को दर्शाता है कि कैसे चीन इस समस्या के समय में भी सिर्फ व्यापार को देख रहा है, सिर्फ मुनाफा कमा रहा है। खैर, इतना ही हम कह सकते हैं कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स सिर्फ अभी के लिए ही नहीं। सोच कर देखिए, इस समस्या के समय में जब चीन इतना घटिया माल दे सकता है, तो आम दिनों में, आम व्यापार के समय, वो देश और दुनिया को न जाने क्या क्या और कितना घटिया सामान देखता होगा। हर तरीके से, हर समय के लिए, सदा के लिए चाइना के उत्पादों को, चाहे वो कोई भी उत्पाद हो, उसको बॉयकॉट करे। धन्यवाद।